भैया जी कहीं मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज मौजूद हूँ वाराणसी में। बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है वाराणसी थोड़ा देर से उठी, इतना का हट्टे है मूछम है। राजपूतों की शान है, राजपूतों की शान है मोछ। किसकी शान है? राजपूतों की। हाँ? राजपूत की। क्या नाम है? निहाल सिंह। निहाल सिंह। निहाल सिंह। निहाल सिंह। भैया तीन बार इसलिए पूछ रहे थे, पता नहीं यूपी में नाम कितनी जल्दी बदल जाए किसी का। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो मेहमान हैं मैं इनको बुलाना चाहता हूं। हमारे साथ विकास जायसवाल जी हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे। प्लीज अंदर आइए विकास जी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सपा से सत्य प्रकाश सोनकर जी हमारे साथ हैं, आइए सोनकर भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, जय हो। कांग्रेस से अनु कपूर जी हैं, आइए अनु कपूर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अकेले आए हैं क्या? अरे रुकिए, आप खड़े हुई है? मैं अकेले नहीं, पूरा बनारस आपके साथ है। बनारस साथ है? अच्छा क्या जी? साथ में। अच्छा भगवान रंग के साथ पूरा बनारस है। हाँ जी, पूरा भगवान रंग के साथ। खड़े होइए, भैया बनारस के आदमी नहीं है आप, बाहर के। हम लोग बनारस के हैं, काशी के, बाबा विश्वनाथ के। 3000 आदमियों को यूक्रेन से वापस लाए मोदी जी। कहाँ से? मोदी यूक्रेन से। आज रोमानिया बॉर्डर से कम 2000 भारतीय वापस आए। ये हमारे मोदी जी की देन है, ये हमारे प्रधानमंत्री की देन है। जय श्रीराम। और किसी सरकार में ऐसी हिम्मत थी? नहीं थी। नहीं भैया नहीं थी। ये हमारे भारत का, ये हमारे मोदी जी। अरे रुको मोदी जी, क्या नाम है आपका? संतोष पांडे। अच्छा पिताजी जब पूछते तो वैसे ही बोलते संतोष पांडे। ऊपर जाएगा आवाज, कसके देना पड़ता है ना। इतनी जोर ना देखो, नीचे ही आ जाए। आ जाए ऐसा ना बोलो कि पिताजी नीचे ही आ जाए। जय श्री राम भैया, वाह क्या जाए। बहुत अच्छा भैया, तो खुद ही गए थे या कोई और जना गया था? अरे अकेला कर। अरे मैं खड़े हो, मैं जो पूछ रहा हूँ खड़े हो, खड़े हो। मैं कह रहा हूँ खुद ही गए थे या किसी को भेजा था? अकेले कह रहे हैं। कहाँ का पूछ रहे हैं मालूम है? कहाँ का? यूक्रेन का। अच्छा यूक्रेन में तो बुलाया क्या रहा ना? लग रहा यही गए, सीधे यही गए थे यूक्रेन, उतरे वहाँ जाके। क्या बात है। तो बाबू जी कहाँ जा रहे थे? लहसुन रखे हैं, खड़े होइए। अये हे, आप एक दरबार में ली है? हम हाँ, हाँ मतलब दरबार में तन देखे सुन ले। हाँ देखे देखे सुन ले, मतलब जब तमाम सारी चीजें देखनी पड़ती, तो लहसुन लग कहाँ जा रहे थे? घर साहब। हाँ घर। का किलो का भाव मिला? खरीद लो, लड़कवा खरीद लो। लड़कवा खरीदो, का भाव चल का रहा है? यो साहब नहीं बता। यो साहब ने बताया? अरे तो शोभ तो बता दो, लहसुन का भाव कहाँ है? नहीं साहब जानकारी तो बताए। हाँ 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 हाँ, खेत में से खाने हैं तो कहाँ प्राइस बता रहे हैं? सारे लोगों का खेत सही आ रहा है भाई। लहसुन का भाव क्या है? 180 है, 180 रुपया किलो। जी जी, या भाजपा है इसीलिए, भाजपा है तो 180 रुपए इसीलिए महंगाई है। खड़े होइए, क्या नाम है आपका? बाबू सोनकर। बाबू सोनकर। बाबू सोनकर, तीन बार जरूर पूछेंगे। बाबू सोनकर, कोई कुशवाहा है? कोई कुशवाहा है, कोई सोनकर है, कोई तिवारी है, कोई पांडे है, पूछना जरूरी है भाई साहब आजकल, क्योंकि चुनाव ही कुल मेल का यही हो गया है ना साहब, यही हो गया ना। अच्छा तीनों लोग कितना सहमत है कि बोले हाँ यही हो गया है, कुल मिला के यही हो गया है। कौन कुशवाहा है, कौन मौर्या है, कौन पाल है, कौन पांडे है? तो यहाँ क्या जी? हाँ जी, इस बार विकासवाद है सर, जातिवाद। हाँ जी जी, खड़े होइए। एक परिवारवाद भी है। हाँ जी, भाई साहब ने कहा कि विकासवाद है। हाँ, जातवाद नहीं है। हाँ, हमें ये लगता है। हाँ हाँ, कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। हाँ हाँ, एक जाति विशेष के माफियाओं के संरक्षण वाली सरकार भी चल रही है। आजकल तो बड़ा ईमानदारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हो। एक गाना सुना दे। हाँ गाना सुना दो यार। यूपी में सूचना जारी, बाय कमल पे साइकिल भारी। भाजी, यूपी में सूचना जारी, बाय 22 में पुल तैयारी। बाय
भाजी गंभीर हो गए हैं आप, क्या लग रहा है आपको? देखिए साहब, मैं तो चुनाव तो बिल्कुल एकदम खत्म पे है और पूरा उत्तर प्रदेश में घूमता हुआ चला आ रहा हूं, कोई इलाका नहीं, सहारनपुर से लेकर बुंदेलखंड, बुंदेल से रोहेलखंड, रोहेलखंड से सोनभद्र और सोनभद्र से मैं यहां। लेकिन बाबूजी बताइए, इस बार चुनाव क्या लगता है आपको? बहुत भारी लग रहा है। बहुत भारी लग रहा है, कमल खिलने वाला है। अच्छा जी बाबूजी, कमल खिलने वाला, कमल खिलने वाला है। लोग कहते हैं, डिबेट के हिस्से में आता हूं मैं, लोग कहते हैं कि जब बहस होती है, मैं बहस पे जा रहा हूं, जब बहस होती है और उन मुद्दों पे होती है जिन पे रोजगार की बात हो, महंगाई की बात हो, आप पीछे हट जाते हैं इन मुद्दों पे और कोई और मुद्दा तलाशने लगते हैं, और वो कोई और मुद्दा नहीं होता है, आप बहस को हिंदू और मुसलमान की तरफ मोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है जी जसवाल साहब, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग मुद्दों की बात करते हैं, जो मुद्दे, इल्जाम है आप पे, इल्जाम या गलत इल्जाम लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग कार्य करते हैं, उसकी बात करते हैं। तो महंगाई की, रोजगार की मुद्दे पे आप बहस करते हैं? अरे सब चीज पे, हम लोग सब चीज पे ध्यान दे रहे हैं, महंगाई के साथ पे ध्यान दे रहे हैं आप? ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, ध्यान दे रहे हैं। और महंगाई के साथ साथ हमारी कमाई भी तो बढ़ी है। अच्छा? ये लोग भूल रहे हैं। बाबू जी आगे 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 जी 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 जी, बेरोजगारी के लिए सिर्फ और सिर्फ सपा जिम्मेदार है। सपा ने यहाँ के युवाओं का शिक्षा बर्बाद कर दिया, नकल माफियाओं को पैदा कर दिया। कौन माफिया? नकल माफिया, नगर माफिया, नगर में कोई बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, नकल माफिया पैदा कर दी पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के यूपी बोर्ड को जो ऐसी तैसी करके बर्बाद करने वाले ये लोग क्या है? हाँ? योगी से कहते हैं कि तुम नौकरी दो, सर आता जाता कुछ नहीं है, इन्होंने कौशल विकास बनाया जी जी। देखिए, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा, मैं सबसे पहले तारीफ आपके शो की कर दूं कि इस शो में तथ्यों पे बात होती है, शोरगुल में बात नहीं होती, इस बात की तारीफ होनी चाहिए और जनता को ताली बजाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात रही कि आपने रोजगार की बात की, रोजगार के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में कौन सरकार आई थी, किसने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, और किस सरकार में हर साल 70 लाख नौकरियां गई हैं, इस बात का जवाब मुझे लगता है कि आपको देना चाहिए। ये देंगे। हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौकरी दी। अरे आ रहे हैं यार, रुको। हमारी सरकार ने 4.5 लाख नौकरी दी बिना घूस के। 4.5 लाख बगैर घूस के? बगैर घूस के 4.5 लाख। समाजवादी पार्टी घूस के साथ नौकरियां देती थी। हाँ जी। झूठ बोल रहे हैं। अभी आर्मी का एग्जाम नहीं ले रहे हैं ये सब 2 साल से। इधर आ गया, आगे आ गया, रुको। हाँ जी, अभी 2 साल हो गए इन लोग का आर्मी का एग्जाम का कोई पता नहीं है, ना वैकेंसी आ रही है। एयरफोर्स का रिजल्ट 3 साल से अटका हुआ है, इन लोग का पता नहीं है इस के बारे में। 4 लाख रोजगार दे रहे हैं, किस बात कहाँ दिए हैं रोजगार बताइए? इलाहाबाद और लखनऊ में छात्र पीटे गए हैं, तो कहाँ थे लोग? क्या नाम है आपका? रोहित यादव। रोहित, रुको भाई साहब, बैठ जाओ, कुर्सी चली जाएगी, फट से चली जाएगी, बैठो जी। रोहित यादव। रोहित यादव। हाँ जी।